नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बीते कल में हरियाणा के अंदर में सरपंच का चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है। कई जगह से कुछ शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ जो आपको मालूम है कि इससे भी पहले मैं माला सिंह फार्म का जो कवर किया था, वहाँ का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाया और वहाँ पे मैंने दिखाया कि किस तरह की तरीके से जो पूर्व सरपंच जो है रघुविंदर सिंह, जो कांग्रेस समर्थक जो सरपंच है, उन्होंने सालों से जो मनरेगा में घोटाला किया था और वो घोटाला करते हुए आ रहे थे, और अभी उन पर एक और आरोप लगा है कि उन्होंने चुनाव में धांधली करवाई है। और धांधली ये है कि तकरीबन 200 से 250 वोट उन्होंने, जो माला सिंह फार्म के लोग नहीं है, उन लोगों का फर्जी वोट बनवाकर उस फर्जी वोट के आधार पर वो लगभग 63 वोट से जीत हासिल किया है। और यहाँ लोगों का कहना कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोई राजस्थान का रहने वाला है, कोई फतेहगढ़ का रहने वाला, कोई दिल्ली का रहने वाला है, जयपुर का रहने वाला है, ऐसे ऐसे लोगों का उसने यहाँ पे फर्जी जो वोट जो है वोटर लिस्ट में उन्होंने नाम दर्ज कराया। अब मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में भी या इसी तरह का धांधली करके जीते थे। अगर उस चुनाव के भी जांच हो तो शायद उसी समय ये सारा जो है गोरख धंधा ये खुल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा कि ये लोग यहाँ देखिए, जो हम अभी आए हैं, ये पलवल के जो विधायक है दीपक मंगला जी, उनके घर पे लोग बाग जो माला सिंह फार्म के हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर के अपनी शिकायत दर्ज कराने आए हैं, और विधायक जी का घर का उन्होंने घेराव भी किया है। आगे इनको कहना कि यहाँ से ये लोग जो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर उनके पास जाएंगे, चुनाव आयोग का ऑफिस है वहाँ जाएंगे, शिकायत करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा इसका पर्दाफाश करेंगे। तो यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ महिला आई हैं, मैं जानना चाहता हूँ। नमस्ते, नमस्ते बाबू, क्या नाम हुआ? वासु भाई। तो आप लोग किस लिए आए यहाँ पे? हम वोटन के मारे आए हैं। क्या हुआ वोट में, क्या हो गया? ऐसे झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया? वहाँ में भाई वोट पाने में हल्ला मच गया। मतलब क्या? वोट पड़े हैं, किसी के पड़े हैं, किसी के नहीं पड़े। किसी के पड़े, किसी के वोट नहीं पड़े हैं। यानी कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे एक बुजुर्ग जो महिला है, उनका कहना है कि वहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं, उसने वोट डालने में भी समस्या किया। तो यहाँ तक समझ में आ सकता है कि कहीं ना कहीं ये मिली भगत है अधिकारियों का। हो सकता है पिछले 10 साल से सरपंच है, मोटा पैसा खाया होगा, अधिकारी के भी जेब गर्म किया होगा चुनाव में, तो इस तरह की धांधली से वो चुनाव जीते हैं। और इन लोगों का मांग है कुछ चुनाव को रद्द करके दोबारा से चुनाव किया जाए। तो मैं चलिए अंदर की ओर मैं लेकर पहले चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग जो इकट्ठे हुए हैं अपने विरोध प्रदर्शन के लिए। और यहाँ देखिए, इस तरफ जो पुरुष वर्ग है, इस तरफ महिला है। मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा जरा यहाँ घुमा के दिखाए, जो यहाँ महिलाएं जो है इस जगह में लगभग सैकड़ों की संख्या में, हम कह सकते हैं कम से कम 500-600 की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं इस जगह में। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई धांधली हुआ है, कोई उसमें गड़बड़ी हुई है, इसीलिए इतने संख्या में यहाँ पर लोग विरोध करने के लिए आए हैं। और मैं आपको पहले भी बता दूं कि मैंने पहले भी बताया कि वो सरपंच सालों से मनरेगा में भी धांधली करते आया है, अपने भतीजे के नाम से जॉब कार्ड बनवाकर लाखों करोड़ों का चुना सरकार को उन्होंने लगाया है। और इस बार भी वो फर्जी वोट के सहारे उसने जीत हासिल किया है। तो यहाँ पे जो हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो आप 63 वोट से हार गए, जबकि हारने का तो कोई नौबत ही नहीं था। सर हमारी कम से कम 300 वोटों से जीत थी, जो कि हमारी बहुत बढ़िया लीड चल रही थी। कम से कम एक घंटा तो पहले उन्होंने पोलिंग अफसरों ने मशीन बंद करके रखी। हमको ये कि वो वोटिंग कहाँ गई हमें नहीं पता। फिर अफसरों को हमने पहले ये लिस्ट बना के दे दी थी, ये कैमरे के सामने दिखाता हूँ, ये वोट जो डेड है इनको वोटों को ना डलने दिया जाए। कम से कम 150 वोट ये हैं। ये आप देखिए, ये जो वोट है ये वोट डले डबल है। हाँ ये वोट डले हैं। मतलब ये वोट कैसा वोट है, जो आप मुझे लिस्ट दिखा हुआ है ये वोट नंबर है। मैं एक मिनट, मतलब ये ये डेड है, मतलब जो मरे हुए लोगों की वोट डल गई है। एक मिनट, ये बहुत बड़ा बात है।
ये मरे हुए लोगों का आपने देखा क्या उंडकोट वोट डला है? है है तो एक मिनट आप यहाँ देख सकते हैं, जो लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो लोग इस दुनिया में नहीं है, इस संसार को छोड़ के चले जा चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे लोगों की वोटिंग करवाई गई है। तो ऐसे सबसे पहले वो जो चुनाव वहाँ पर अधिकारी थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन के गए थे, उनको भी जेल होना चाहिए। कि मरे हुए लोगों को कैसे उन्होंने वोटिंग करा दिया और उनकी आईडी उन्होंने क्या देख करके वोट कराए, क्योंकि जिंदा जो लोग होते उनका आईडी होता तो उन्होंने क्या देखा। मैं नाम बता देता हूँ आपको बारी बारी से। यहाँ पे जो लोग हैं देखिए, बाड़ा सिंह, पिता का नाम है हुकुम सिंह, ये डेड है यानी कि वो मर चुके हैं। उसके बाद है निहाल कौर जोगिंदर सिंह, ये भी महिला है, ये मर चुकी है। तीसरा नाम है हुकुम कौर और उसका पति का नाम है खजान सिंह, ठीक है, वो इनका भी देहांत हो चुका है। एक मिनट, कुंदन सिंह, खजान सिंह जो ये भी डेड है, ये भी मर चुकी है। इसी तरीके से मैं कुछ लोगों का मैं आपको नाम बताता हूँ। ये कैसा नाम है ये जो आप यहाँ पे जो दे रहे मुझे, ये सुरेंद्र कौर त्रिलोक सिंह, ये क्या है जो ये डबल, ये अच्छा डबल, इन डबल वोट डले हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ डबल है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए डबल वोट भी यहाँ पे पड़ा है और यहाँ रॉन्ग है, यहाँ पे डेड है आप देख सकते हैं, ये सारे डेड वोट है। ये सारे आप देख, अगर इसकी जांच हो तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि वो जो सरपंच है वो भ्रष्टाचार में पूरा उनका पैर से लेकर सिर तक वो डूबा हुआ है। जबकि पिछले दिन कोई उनके ही कोई जो अपने चट्टे बट्टे वो कह रहे थे हमारी चैनल को कि हमने गलत न्यूज बनाया, हमने गलत न्यूज दिखाया, हमने गलत खबर चलाया, इस तरह के लोग बदतमीजी भी कर रहे थे, इस तरह के बातें भी कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि गलत कौन है और सही कौन है, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी आपको साफ दिख जाएगा। और ये जो ऐसे लोग हैं ये कोई भाड़े पर लाए लोग नहीं है, ये लोग अपने गांव के मतलब उसके विरोध में आए, उस सरपंच के विरोध में आए हैं। तो मैं कुछ लोगों से यहाँ बात करता हूँ, बाकी ये लिस्ट में अपने न्यूज में एक एक करके मैं दिखाऊंगा। सर इनके हमारी हाँ एक मिनट, यहाँ पे एक महिला है, क्या नाम है आपका? प्रकाश कौर। प्रकाश जी क्या हुआ आपके साथ, आपके वोट नहीं डालने दिया? हाँ नहीं डालने दिया वोट, और मेरा वोट किसी ने डाल दिया है। आपका वोट किसी, आपने वोट नहीं डाला, फिर आपके हाथ में निशान कैसे? पहले वाला है। पहले वाला कौन सा? बड़े वोट। अच्छा, दो वोट डाले, एक मतलब सदस्यों का और एक सरपंच का। तो आपने जो पहले डाला यानी सरपंच का, बोला आपको वोट डालने नहीं दिया? नहीं डालने। क्या कहा उन्होंने? उन्हें कहा डाल गया तेरा वोट, अब नहीं डालना, अब बैठ जाओ। किसने कहा ये बात आप? ये आपने एजेंट ने कहा है। रविंदर के एजेंट क्या नाम थे, आप जानते हो उसका नाम? जरनैल सिंह। हाँ। और आपके पोलिंग अफसर क्या कर रहे थे, सो रहे थे आपके पोलिंग अफसर जो आपके एजेंट जो थे वो क्या कर रहे थे? उनको सर डंडे मार मार के बाहर धमका के भगाया जाता था जी। आपके एजेंट? हाँ जी। तो आपने शिकायत करी? शिकायत करी सर, हमारी पुलिस भी नहीं सुनती थी, पुलिस भी हमारे खिलाफ थी जी। तीन बार हमारी ये पर्ची डालने गए लेकिन नहीं डालने दिया कि वोट तुम्हारी डल चुकी है। ये देख लीजिए, ये जो महिला है मैं बता दूं आपको, ये महिला प्रकाश कौर, ठीक है, और इनका ये पर्ची ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिनको वहाँ वोट नहीं डालने गया, वोट डालने से पहले उन्होंने कह दिया कि आपका वोट डल चुका है। तो आप बता सकते हैं कि ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए, क्या धमकी दे रहे हैं? वो धमकी देते थे ये वोट डल गया तो बार बार आ जाती हो, यहाँ बार बार आ जाती हो। किसने बोला? पुलिस वाले। वो पुलिस वाले। अच्छा पुलिस वाले। हाँ, बोला। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर तक सभी लोगों का बाकायदा विधिवत तरीके से जेब को गर्म किया गया है। और ये वोट ईमानदारी से नहीं, ये चुनाव, ये पूरी की पूरी जो चुनाव है ये बेईमानी से ये जीता गया है। मेरा भी नहीं डाला। क्या नाम है? शरण कौर। आपका भी वोट नहीं डाला? आपका? मेरा नहीं डाला। आपका भी नहीं डाला? आपका क्या नाम है? कुलवंत गौड़। माला सिंह फार्म के तो भाई। आपने डाला? आपने डाल दिया? सर ये एजेंट कुछ कहना चाहते हैं, एजेंट जो आप पोलिंग एजेंट थे वहाँ पे, क्या नाम है आपका? ये एक मिनट ये जसवंत जी का पोलिंग एजेंट है, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह है जी। सुरेश सिंह, आप बोलिए क्या हुआ आपके साथ वहाँ पे? हमारे साथ ये हुआ जी, उन्होंने फर्जी वोट डाले, हमने पुलिस प्रशासन से विनती की कि इनको रोका जाए, जैतपुर दिल्ली और राजस्थान से जो वोट उन्होंने वोटिंग यूपी की, इनकी वोटिंग ना की जाए। उन्होंने खाली
एक ही आईडी पर उन्होंने वोट डाले। हमने उनका आधार कार्ड मांगा तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और पूरा प्रशासन ने दबाव हमारे ऊपर बना दिया कि ये वोट हम डालेंगे, इनको आप नहीं रोक सकते। तो सारा प्रशासन जो था वो बिका हुआ था, उन्होंने उनसे धर्मविंदर सरपंच से पैसे ले चुके थे सारा प्रशासन, हमारी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। हम जितने भी एजेंट थे जस्सा सिंह की तरफ से, उन्होंने हमारे कोई बात नहीं सुनी, कोई कार्रवाई नहीं। रांझा सिंह जो जयपुर का है, उन्होंने हमारे साथ हमारे को ये बोला कि हम आगे वारदात करेंगे, हम वोटिंग करेंगे, जबरदस्ती वोटिंग करेंगे। वारदात क्या करेंगे, मतलब खून खराबा करेंगे यहाँ पे? हाँ जी, स्कूल में पोलिंग में। एक अच्छा पोलिंग में खून खराबा उन, उनकी वोट क्या नाम था? रांझा सिंह। अच्छा, उन्होंने मेरे को जयपुर, ये बदरपुर जयपुर उनकी कम से कम 35-40 वोट है वहाँ। हमारे बीच जो है पलवल के जो विधायक है दीपक मंगला जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर। ये इस तरह का जो वहाँ पे जो गोरख धंधा हुआ है, मरे हुए लोगों का वोटिंग डलवा करके और जो जीत हासिल किया गया, इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? जो भी इस तरीके के दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी सर। चुनाव निरस्त करवाया जाएगा शायद, जो भी जिसने भी जो गलत किया है इनकी शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई के साथ अन्याय नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरह की कोई भी कहीं भी सारे क्षेत्र के अंदर कोई भी अगर ऐसी शिकायत आएगी तो उस पर पूरी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। तो ये विधायक जी ने भी कहा है कि जो दोषी है उस पे पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो ये लग रहा है कि मामला बहुत ये बड़ा होने वाला है और ये जो मामला है ये यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। सरासर जो है शायद लग रहा है कि जो पूर्व जो विधायक और सरपंच है रघुविंदर सिंह पे 420 का केस भी दर्ज होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।